मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में SDPI यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ऑफिस का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के पहले ही मुमरा रेती बंदर से कौसा तक रैली निकाली गई। इसके बाद SDPI पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी ने रिबन काटकर ऑफिस की ओपनिंग की है। मुमरा कलवा के चुनाव में अब SDPI पार्टी का भी उम्मीदवार रहेगा। इसके अलावा SDPI पार्टी महाराष्ट्र में भी और कई सीटों से चुनाव लड़ेगी। मोहम्मद शफी ने बताया कि कलवा मुमरा के अहम मुद्दों पर SDPI पार्टी चुनाव लड़ेगी। यहां के कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ जहाँ विधायक जितेंद्र आव्हाड तो वहीं दूसरी तरफ नजीब मुल्ला। ऐसे में अब SDPI पार्टी के तरफ से भी उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा। SDPI पार्टी के पदाधिकारी मोहम्मद शफी ने मुमरा कलवा चुनाव और देश में हो रही राजनीति को लेकर मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप देख रहे हैं आज, तो सबसे पहले तो मैं हमारी पूरी स्टेट टीम को और महाराष्ट्र को इस प्रदेश कार्यालय की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही मैं जो हमारे स्टेट के और ख़ास तौर पर मुमरा डिस्ट्रिक्ट के जो कैडर्स और लीडर्स जिन्होंने वेलकम किया है, उन सबको भी मैं बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल करता हूं। साथियों, हमारा जो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र का एक जो कार्यालय है, ये कार्यालय महज यहाँ बैठकर प्रोसीडिंग से ज़्यादा मैदान में मेहनत करके आके उसको रिव्यू करने के लिए होता है। आज जो हमारा कार्यालय यहाँ खोला गया है, जो इसकी इफ्तिताह है, वो आवाम को समर्पित करते हैं। इस पूरी महाराष्ट्र को यहाँ के जो मेन असल मुद्दे हैं, जिसको अब तक फांसीवादी और पूंजीवादी और शख्सियत परस्ती की जो पार्टीज़ हैं, वो लोग आवाम को छोड़कर उनके जो हमारा एक फर्स्ट स्लोगन है भूख से आज़ादी, जिसमें हर एक वो भूख, हर एक वो नीड, वो जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि जो बुनियादी हुकूक हैं प्रदेश के, देश की जनता के, उसके लिए पूरे भारतवर्ष में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है। उसी की कड़ी में महाराष्ट्र में बहुत समय से काम करते हुए आए हैं, अलग अलग जगहों पर पूरे प्रदेश के अंदर काम करते हुए आए हैं, लेकिन इस प्रदेश कार्यालय से मैं आम कर देना चाहता हूं पूरे इस प्रदेश की हमारी जनता को कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपके लिए, आपके अन्याय के खिलाफ, आपके न्याय के लिए मैदान में उतर चुकी है। और जो भी हर एक मजलूम की बगैर जाति धर्म देखे, उनके लिए हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और न सिर्फ भूख से आज़ादी, बल्कि उनको खौफ से आज़ादी के लिए भी हम लोग प्रेरित करेंगे और उन्हें ज़रूर भूख से आज़ाद और खौफ से आज़ाद करके रहेंगे। इस नारे के साथ हम लोग आज हमारे प्रदेश कार्यालय को, इस प्रदेश को समर्पित करते हैं। और आप सभी आए हुए मीडिया बंधुओं से भी अपील करते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जो विचारधारा है, जो असल भारत के लिए हमारे जो आइडिया ऑफ इंडिया, हमारे बुज़ुर्गों ने जो देश को आज़ाद कराने के वक्त में जो कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं, जेलों में जाकर अपनी जो कुर्बानियां दी हैं, वो एक आइडिया ऑफ इंडिया था जिसमें तमाम समाज के जो लोग हैं, वर्ग के जो लोग हैं, तमाम धर्म के जो लोग हैं, उनको रखकर संविधान बनाया गया था। इसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ संविधान को और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और आवाम को उसकी ताकत देने के लिए पूरे देश भर में काम कर रही है। उसी की कड़ी में महाराष्ट्र में भी पूरी ताकत के साथ काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव नज़दीक है, घोषणा हो चुकी है चुनाव की, तो ऐसे में कलवा मुमरा जो विधानसभा इलाका है, यहाँ से आज पार्टी की ऑफिस का भी उद्घाटन हुआ, ऐसे उम्मीदवारी को लेकर क्या कहेंगे, कौन रहेगा आपका उम्मीदवार? हम मुमरा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 25 सीट्स का आपके सामने ऐलान करते हैं। और कैंडिडेट का ऐलान बहुत जल्दी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग हमारे पूरे एक एक असेंबली के मुताबिक एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको अनाउंस करेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे खास करके आपके, जिससे कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में जाना जाता है कि मजलूम के ऊपर जो जुल्म होता है उसको लेकर सबसे पहले आवाज उठाने आपकी पार्टी, तो इस महाराष्ट्र चुनाव में किस तरीके से देखते हो?
महाराष्ट्र के चुनाव में अगर जहां हम देखेंगे, मतलब पूरे महाराष्ट्र से अगर हम लोग यही मुमरा की बात करें, मुमरा कलवा की बात करें, यहां पर लोग फ्रॉड कर रहे हैं, डर बेच रहे हैं। हम लोग इस फ्रॉड और डर के खिलाफ लोगों को उनके जो असल हुकूक हैं, यहां देखिए अगर मुमरा में देखा जाए माइनॉरिटीज़ का, मुस्लिम्स के कितने बड़े बड़े इशूज़ हैं, लेकिन मुस्लिम का अगर उनको इंसाफ दिलाने की बात करें, यहाँ पर एक ट्रेंड बना लिया, सेंटर में नरेंद्र है, स्टेट में देवेंद्र है, और यहाँ असेंबली के अंदर आपका जितेंद्र है, वो आपका 7 एकड़ कब्रिस्तान को भी हजम कर जाता है। जो आदमी मरने के बाद नहीं छोड़ रहा है, वो जिंदों का क्या हाल कर रहे होंगे। इसलिए हर एक असेंबली के जो मुद्दे हैं उनको हम आगे रखकर, उन्हें फ्रंट में रखकर, उसके मुताबिक एक महाराष्ट्र का एक क्लब करके हम लोग एक जो है इसका मैनिफेस्टो रखेंगे, और महाराष्ट्र के जो असल मुद्दे हैं उन पर हम लड़ाई लड़ेंगे। ये जो इन्होंने मस्जिद, मदरसा, हिंदू मुस्लिम और जिस तरीके से उसमें फंसा दिया है, उससे हम लोग जनता को अवगत कराकर, अवेयर करके जनता को उनके असली मुद्दों पर लाएंगे हम लोग। ये हमारा सबसे बड़ा काम रहेगा। डर कैसे खत्म होगा? आपने कहा कि डर दिखाकर, क्या रास्ता है आपके पास? डर के सबसे पहली बात यह है कि ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र में लोगों से चलता है। यहां तानाशाही अगर कोई करने आए हैं, जो लोगों के बीच में नफरत और जहर फैला रहे हैं, उनके खिलाफ आवाम को एक साथ मैदान में आना पड़ेगा। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपनी फर्स्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से पहले एजिटेटिव पॉलिटिक्स से जानी जाती है। आप कोई ऐसा इशू इंडिया में नहीं बता सकते जिसमें हमारा इश्यूज के अंदर कुछ इंटरवेंशन ना हो, या चाहे जो भी हो, CANRC के मुद्दे हो, या लैंड एक्विजिशन बिल के मुद्दे हो, या हाल ही के अंदर वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, या मदरसा के नाम पर जिस तरीके से पॉलिटिक्स की जा रही हो, उसके खिलाफ हम लोग सबसे पहले खुद बेखौफ होकर मैदान में उतर चुके हैं, और ये बेखौफी ही उनको खौफ से निकालेगी। क्या SDPI महाराष्ट्र में जो 25 सीटों पे लड़ेगी वो मुस्लिम बहु इलाके होंगे या दूसरे इलाके होंगे? सब होंगे। SDPI में देखा जाता है कि यूथ कार्यकर्ता बहुत ज्यादा है, तो क्या आने वाले विधानसभा में कुछ यूथ को भी उतारा जाएगा इस 25 सीटों पे? जी हाँ, बिल्कुल उतारा जाएगा। और ये यंग इंडिया को हम लोग ऐसा जुमले की तरह नहीं बोल रहे, यंग इंडिया को यंग इंडिया बनाना है, यूथ को जो उनके राइट्स हैं उनको जो फ्रंट में लाना है, वो SDPI पूरी तरह से कर रही है।